सो हेलो एवरीवन, आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी हंटर 350 में लेजेंडरी कस्टम बिल्ट का सैडल स्टे, जो कि मैंने बेनिडोर्स पेट स्टॉप से परचेस किया है और इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 2900 रुपये और 150 रुपये अलग से डिलीवरी चार्ज मुझे लगा है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। सो ये रहा सैडल स्टे और ये आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके से बाइक में फिट होगा। और ये रहे कुछ स्टिकर्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बेनिडोर्स का स्टिकर है, ये रहा लेजेंडरी कस्टम बिल्ट का स्टिकर। तो ये कुछ स्टिकर्स हैं जो आप चाहो तो अपनी बाइक पे आप चिपका सकते हैं। और ये रहा हमारा सैडल स्टे जो कि प्लास्टिक में पैक है। तो चलिए इसकी प्लास्टिक को अलग करते हैं। सो ये रहे हमारे सैडल स्टे। तो आप यहाँ पे क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार है, हैवी भी है वेट वाइज। और यहाँ पे आप साउंड उसका सुन पा रहे हैं, ये काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। और क्वालिटी वाइज देखा जाए तो इनके सारे आइटम जितने भी मैंने अब तक इंस्टॉल किए हैं, अब तक मैंने यूज़ किए हैं, काफ़ी शानदार हैं। तो ये रहे हमारे दोनों सैडल स्टे, अब इनको रखते हैं साइड में। और ये रही एक कनेक्टिंग रॉड जो दोनों सैडल स्टे को आपस में कनेक्ट करेगी। तो ये आप देख पा रहे हैं ये रही वो रॉड, इसकी भी आप क्वालिटी दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। और ये रहे कुछ स्क्रू, यहाँ पे दो लंबे और दो छोटे स्क्रू देखने को मिलते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं ये जो रॉड है ये इस तरीके से ये इन दोनों सैडल स्टे को इस तरीके से आपस में जोड़े रखेगी। तो अब चलते हैं बाइक के पास और इसको करते हैं इंस्टॉल। तो ये रही मेरी बाइक हंटर और ये रहा सैडल स्टे। तो यहाँ पे आप इसकी क्वालिटी देख पा रहे हैं, अंदर हो सकता कि आपको समझ में नहीं आई होगी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है इसकी यार। और यहाँ पे LCB की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे ये इस तरीके से ये फिट होगा। तो सबसे पहले हमें इस कैप को अलग करना रहेगा। तो यहाँ पे हम एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस कैप को अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो होल देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक बोल्ट की हेल्प से सैडल स्टे यहाँ पे कसा जाएगा। और नीचे आप ये देख पा रहे हैं बोल्ट, इनको ओपन करना रहेगा और नीचे साइड इन पे कसा जाएगा। तो ये नीचे वाला बोल्ट हमारा खुल चुका है और अब सैडल स्टे को हमें इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल करना रहेगा। तो हमें इसके साथ में ही नट बोल्ट मिले हैं तो हम उन नट बोल्ट को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला बोल्ट हमें जो मिलता है ना, इसको हमें ऊपर इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करना रहेगा और पीछे साइड से हम एक नट लगाएंगे और इस बोल्ट को हम एलन की मदद से टाइट करेंगे। और नीचे साइड ये जो हमने एक बोल्ट ओपन किया था वहाँ पर हम सैडल स्टे को इस तरीके से आप देख सकते हैं वापस से हमें टाइट कर देना है। और अब इस साइड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा कैप जो हमें अलग करना रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बोल्ट देखने को मिलता है जो कि ये साड़ी गार्ड है ना, ये यहाँ पे कसा हुआ है। और जो ये वाला बोल्ट है ना, ये नॉर्मल स्पैनर से ओपन नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा गहराई में इंस्टॉल है। तो यहाँ पे हमें एक टी स्पैनर की मदद से इसको ओपन करना रहेगा। तो ये बोल्ट जो है वो ओपन हो चुका है। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये नीचे भी यहाँ पे टाइट है, तो इसको भी हम इस तरीके से खोल लेंगे। तो ये फाइनली हमारा साड़ी गार्ड जो है वो अलग हो चुका है। तो यहाँ पे मैं साड़ी गार्ड को कर रहा हूँ अलग क्योंकि सैडल स्टे लगा रहा हूँ तो साड़ी गार्ड की इतनी ज़रूरत नहीं है। और ये जो फुटरेस्ट है इसको मैं यहाँ से कर लूँगा अलग, ये जो आप नट देख पा रहे हैं यहाँ से ये अलग हो जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल होगा, बट ये इंस्टॉल करने के लिए हमें ये जो पत्ती इसके साथ देखने को मिली थी ना, ये हमें इस तरीके से लगानी रहेगी। पर यहाँ पे एक नट यहाँ पे है नहीं, ये जो कंपनी वाला बैक रेस्ट था ना, ये आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमें बीच में एक नट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये पत्ती जो है इस तरीके से कस जाती है। तो ये जो मैं अभी बैक रेस्ट यूज़ कर रहा हूँ इसमें ये नट जो है तीसरा ये मिसिंग है, तो हम यहाँ पर एक नट जो है वो वेल्ड कराएँगे। तो अब चलते हैं वेल्डिंग कराने। तो यहाँ पर अपनी जो वेल्डिंग थी ना वो कंप्लीट हो गई है
यहाँ पे अपन ने ये एक डिवी थी जो यहाँ पे अपन ने बेल्डिंग करवा दी इसकी। तो जो अपना फुटरेस्ट था अब इसमें आसानी से कसा जाएगा। तो अब इसको करते हैं इंस्टॉल, दिखाता हूँ फिर मैं आपको। तो वो नट था जो ये अपन ने बेल्डिंग करा लिया है, अब अपन इसमें इंस्टॉल करने वाले अपना सैडल स्टे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें जो बड़ा वाला जो बोल्ट था वो हमें इस तरीके से इंसर्ट करना है और पीछे से नट लगा के हमें इसको एलन की मदद से टाइट कर देना है। तो नीचे साइड भी हमें इस तरीके से टाइट करना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैडल स्टे हमारा जो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके साथ जो रॉड आई थी ना उस रॉड को हमें यहाँ पे टाइट करना रहेगा। ये आप देख सकते हैं ये जो रॉड है इसको हम इस तरीके से दोनों सैडल स्टे को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें साथ ही में छोटे वाले जो नट बोल्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। तो हमें इस तरीके से इनको टाइट करना रहेगा, सेम प्रोसेस इस साइड भी। यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से सारे बोल्टों को टाइट करना है। तो ये हमारा सैडल स्टे जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब लेडीज़ फुटरेस्ट को भी हमें इंस्टॉल करना रहेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं ये जो मैंने तीसरा जो नट है वो वेल्ड कराया था ना, यहाँ पे इसकी मदद से मैंने, ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये जो माउंट लगा है और इस माउंट में ये लेडीज़ फुटरेस्ट, ये अपन ने इस तरीके से लेडीज़ फुटरेस्ट भी इंस्टॉल कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा सैडल स्टे अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है और बाइक का लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब सारे नट बोल्टों को अपन ने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है और ये जो फुटरेस्ट था ये भी अपना अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। और अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। तो बस अब सैडल बैग ला के और देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मैंने बैग रख दिए हैं और बैग जो है वो अब इससे आगे नहीं जाएगा। पहले एक डर रहता था कि टायर में बैग टच ना हो जाए, और अब यहाँ पे बैग इससे आगे नहीं जाएगा और ये जो बैग की स्टेप्स हैं इनको हम इसमें बांध देंगे। तो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।